सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संसार को परिवर्तन करने वाले हम बच्चों को निमित्त बना के स्वर्ग बनाने वाले शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा कहते हैं, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सारे विश्व में शांति स्थापना करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापना नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन गए हैं। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बताएं, घड़ी घड़ी बताना पड़े क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। जिसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। बाप कहते हैं, ओम अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं ओम, मैं भी आत्मा हूं, परमधाम में रहने वाला हूं। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आती हो, मैं नहीं आता हूं। हां, मैं साकार में आता हूं जरूर, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सार समझाने। कोई और यह समझा ना सके, अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं? बाबा कहते हैं, अगर परमात्मा के ऊपर निश्चय नहीं है तो ढूंढ के देखो, दुनिया में है ही नहीं कोई। भगते हैं, राजयुग सिखला ना वाला सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव। पहले पहले जो देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें यह पुरुषार्थ करो समझाने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, इसलिए उनको पहले यह समझाना है कि धरती पर स्वयं भगवान, वो भी भारत भूमि पर आए। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाले हैं, उनको देवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे, अब वही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसलिए सबसे पहले उनको ये ज्ञान ढूंढ ढूंढ के देना चाहिए। बाबा कहते हैं, मनुष्य मात्र सिखा ना सके, ये जो ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं वो कोई ना सिखा सके। बाबा कहते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर
अलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। यह वैरायटी धर्म का मनुष्य रूपी झाड़ है। उनकी आयु भगवत में लंबी चौड़ी लिख दी है। अब भगवत कोई धर्म शास्त्र तो नहीं है, बाकी भगवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापना होता, वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। भगवत जरूर पति दुनिया में ही आया होगा, स्वयं भगवान पुकारते भी हैं पतित पावन आओ। भारत पावन था फिर 84 जन्म का चक्र लगाया है, जो पावन भारतवासी थे। और आत्माओं ने जब पतित बन गए तब पुकारने लगे, हे परमपिता परमात्मा आकर हमें पावन बनाओ। अब तो है रावण राज्य, सब विकारी हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु हैं, यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं। अब इन पर जीत पाए पावन बनो। तुमने जन जन्मांतर पाप किए हैं, सबसे तमोप्रधान बने हो। आत्मा में खाद पड़ती गई, पहले तो गोल्डन एजेड में थी, अब सिल्वर एजेड में आई, फिर कॉपर एजेड में आई, फिर खाद पड़ते पड़ते सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही ये बात है, अब संपूर्ण पतित बन गए। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें कितना ऊंच उठा रहे हैं। बाप समझाते हैं, यह गाते भी हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई नहीं जानता है कि इन्हों का राज्य कब था, स्वर कहां से आया। अब तुम समझते हो बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, जिससे स्वर के गेट खोले हैं। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं। कहते हैं हम तो पतित हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। तुम सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण हो, अपने को कहते ही हैं हम भिकारी हैं। इसलिए इनको छुड़ाने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान सबसे पहले इन आत्माओं को देना है, ताकि उनका जीवन सुंदर सुखमय बन जाए। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तब दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, परंतु यह तो एक बाप का ही काम है। मनुष्य तो है ही विकारी, वो शांति कैसे स्थापना कर सकते हैं। घर घर में ही झगड़ा है, बाप को ना जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी फिर बाप वह पवित्रता सुख शांति स्थापना कर रहे हैं जो और कोई कर ना सके। भगवती तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं, इसलिए भगवत ने 24 घंटा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही, किसी को भी पता नहीं पड़ता है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। तुमको बाप ने अभी जगाया है, तुम यहां आए हो स्वर्गवासी बनने, खुशी होनी चाहिए हम बच्चों। बाबा धारणाओं में कह रहे हैं एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है इसलिए पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एजेड बनाना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, अगर बाबा की याद में हम रहेंगे तो हम दूसरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो लेकिन उसका भाव क्या है,
उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। फिर सारे समस्या समाधान। बाबा स्लोगन दे रहे हम बच्चों को, सोते समय सब कुछ बाप के हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम सोमा लेंगे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। इसी तरीके से मुरली को और गहरी रीति से एक एक पॉइंट को चिंतन करना है, निरंतर अनुभव करना है। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा वरदाता बाप मेरे साथ हैं, उनकी यादों में रहना है और मुस्कुराते रहना है, खुशी में रहना है, क्योंकि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।